वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मशीनरी हब। दोस्तों आज हम आपके लिए एक ऐसा बिजनेस लेकर आए हैं जो मार्केट में काफी डिमांड पर है। दोस्तों हम जिस बिजनेस की बात कर रहे हैं वो फास्ट फूड से रिलेटेड है। वो फास्ट फूड अपना नूडल है। नूडल्स हर जगह अपना खाया जाता है, अपना गाँव में हो या शहर में हो, हर जगह अपना काफी चलता है। आज हम अपना यही जानेंगे कि ये नूडल बनता कैसे। नूडल तो बड़े चाव से खाते हैं पर हमें ये नहीं पता होता कि ये बनाई कैसे जाती है। तो इसी चीज की जानकारी के लिए हम डायरेक्ट दिनेश सर के पास चलेंगे जो कि हमें ये चीज बताएंगे कि नूडल को बनाया कैसे जाता है या इसको बनाने के लिए कितनी कितनी मशीन की जरूरत पड़ती है, इसको बनाने में क्या मार्जिन आता है, क्या प्रॉफिट मिलता है। तो यही चीज की जानकारी के लिए सीधा दिनेश सर के पास चलते हैं। दिनेश सर आप हमें बताइए कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कौन कौन सी मशीन की जरूरत पड़ती है, इसमें मार्जिन क्या पड़ेगा, प्रॉफिट क्या मिलता है। बिल्कुल मैडम, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिनेश कुमार है और मैं मशीनरी हब का ओनर बात कर रहा हूँ आपसे। फ्रेंड्स, नूडल का जो बिजनेस होता है एक ऐसा बिजनेस है जो कि बहुत डिमांडेड बिजनेस रहता है। उसी के रिलेटेड इसको बनाने के लिए कौन कौन सी मशीन की जरूरत पड़ती है, क्या इसमें मार्केट होती है, क्या प्रॉफिट होता है, आज मैं इसी के लिए आपको आपके सामने इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, जो ये आप मशीन देख रहे हैं ये मशीन जो होती है सेमी ऑटोमेटिक मशीन हम इसको बोलते हैं। इसमें क्या तीन मशीनों का प्रोसेस होता है। बेसिकली आपका एक होता है आपका ये मेन मशीन जिसको एक्सट्रूडर मशीन बोलते हैं, एक होता है आपका मिक्सर और एक होता है इसमें स्टीमर। स्टीमर जो होते हैं वो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ले सकते हैं। जैसे अगर आपको छोटा स्टीमर चाहिए एल्यूमिनियम, जैसे हमारे मोमोज होते हैं, मोमोज वाले जो स्टीमर होते हैं एल्यूमिनियम स्टीमर, वो भी आप यूज कर सकते हैं, या फिर बॉक्स वाला स्टीमर भी आप इसमें यूज करके चल सकते हैं। अब अगर बात करें इसको बनाने की कि नूडल बनाए कैसे जाते हैं, फ्रेंड्स ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन होती है। सेमी ऑटोमेटिक में कैसे नूडल बनती है, इसमें क्या होता है, पहले आपका लेयर बनाना होता है। ये इसमें यहाँ पे कटर होता है, ये कटर क्या है आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। इसको निकालने के बाद आपको पहले ये प्रॉपर लेयर बनाना होता है। लेयर तीन से चार बार लेयर बनाने के बाद, तीन से चार बार का मेरा मतलब इसलिए है कि जितनी अच्छी फिनिशिंग से आपकी लेयर बनेगी उतनी ही अच्छी आपकी नूडल निकलेगी। जैसे ही आपकी लेयर रेडी हो जाती है आप लेयर का रोल आराम से इनके ऊपर रख सकते हो। ये आपका कटर होता है, ये कटर आप कटर को ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। कटर एडजस्ट होने के बाद आप इसमें क्या कटिंग होती है, नूडल आपका इजीली आपका लेयर जो है इजीली आएगा और आपकी कटिंग होकर आपका नूडल तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस ये होता है कि आप अपना उसमें स्टीम करना चाहते हैं या आपको वो ड्राई नूडल बनानी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको जैसे गीली नूडल जिसको बोलते हैं मार्केट में, जैसे चाउमीन में हम बोलते हैं, जगह जगह ठेले वाले लगाए रहते हैं या रेस्टोरेंट में छोटे मोटे रेस्टोरेंट में मिलता है, वो हमारी वेट नूडल होती है। वेट नूडल अगर आपको बनानी होती है तो हमें स्टीमर की जरूरत होती है। स्टीमर में हम उसको बॉयल कर सकते हैं। बॉयल करने के बाद जितने भी पैकेट में, जितने ग्राम का पैकेट आपको पैक करना, आप उसको पैक कर सकते हैं। तो ये इसका स्टीमर का प्रोसेस होता है। अगर आपको मान के चलिए ड्राई नूडल होता है, ड्राई नूडल का मतलब है सूखी हुई नूडल, अगर आपको सूखी हुई नूडल बनानी है तो प्रोसेस सेम होता है। पहले आपने आपका जो मैदा या आटा मिक्स किया, मिक्स करने के बाद आपने लेयर बनाया, लेयर बनाने के बाद कटिंग किया। कटिंग करने के बाद अगर आपको वो ड्रायर में डालना, अगर आपको ड्रायर चाहिए तो डायरेक्ट आप ड्रायर से भी उसको ड्राई कर सकते हैं, या डायरेक्ट अगर आपको ड्रायर का जैसे आपको लगता है कि बजट नहीं है तो डायरेक्ट आप अपना एक रूम चैम्बर भी बना सकते हैं। रूम चैम्बर बनाने के से क्या फायदा है कि आपकी कॉस्टिंग कम लगती है और आपका प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो आप ये भी करके चल सकते हैं। चलिए सर, आपने हमें ये तो बहुत अच्छे से समझाया कि अपना ये बनता कैसे है, पर क्या आप हमें इसका एक रनिंग डेमो दिखा सकते हो जिससे हमारे व्यूअर्स अच्छे से समझ पाए इस चीज को। बिल्कुल मैडम, मैं आपको एक इसका रनिंग डेमो भी दिखा देता हूँ।
हो जाता है और अपना इलेक्ट्रिसिटी कितना चाहिए होती है, घर की बिजली पे चल जाएगा या कमर्शियल की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल मैडम, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के लिए। इस मशीन का प्रोडक्शन जो एग्जैक्टली होता है अप्रोक्सीमेटली 70 से 80 केजी का प्रोडक्शन होता है, लेकिन काफी कंपनीज जो है 100 केजी का भी प्रोडक्शन बोल के चल रहे हैं, बट एग्जैक्टली जो होता है 70-80 केजी का होता है। उसके बाद हम बिजली की इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या जो हमारे घरों में रनिंग हमारी 1.5 से 2 किलोवाट का जो कनेक्शन होता है उसी में ये मशीन इजिली रनिंग हो जाएगी मैडम। इसके लिए हमें कोई कमर्शियल लाइट वगैरह की जरूरत नहीं होती, एक्स्ट्रा कनेक्शन की जरूरत नहीं होती, हमारे घरों में जो इजिली चलती है उसी से ये मशीन रनिंग हो जाएगी। और अगर बात करें मैडम इसमें हमारे कितने इसमें हमारी जैसे मोटर की हम बात करते हैं, जैसे मशीन ये जो मशीन होती है इसमें भी 2 HP का मोटर का रिक्वायरमेंट होता है और इसमें भी 2 HP का रिक्वायरमेंट होगा। और जो हमारा स्टीमर होता है वो स्टीमर आपका ऊपर डिपेंड करता है मैडम कि अगर आपको वो स्टीमर गैस वाला चाहिए तो हम आपको गैस वाला प्रोवाइड करवा देते, और अगर आपको उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन चाहिए तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। मैडम देखिए लेबर की जो रिक्वायरमेंट होती है हमें 1 से 2 लेबर की तो हमें रिक्वायरमेंट रहेगी ही रहेगी, सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, 2 लेबर तो हमारे मान के चलिए मिनिमम लगेगा ही लगेगा। सर नूडल बनाने के लिए अपना इन्हीं मशीनों की जरूरत पड़ती है या इसमें और भी मॉडल्स होते हैं? नहीं मैडम, होता क्या है कि हमारे पास इसके बाद भी ऑटोमेटिक मशीनें भी होती हैं जो 10 रोल से स्टार्ट हो जाती है, 10 रोल, 12 रोल, 14 रोल, 18 रोल, 20 रोल। एक्चुअली होता क्या, वो जो मशीनें होती है वो ऑटोमेटिक वर्क करती है। जैसे मैंने इसमें बताया कि आपको पहले कटर हटा के लेयर बनाना होता है, लेकिन ऑटोमेटिक मशीन में क्या है कि आपको कटर हटाने की जरूरत नहीं होती, वो डायरेक्टली आपकी लेयर बनाता रहता है और डायरेक्टली कटिंग करता रहता है। उसमें बेसिकली क्या होता है कि प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और वो प्राइस भी उसका ज़्यादा होता है। जैसे अगर हम इसके प्राइस की बात करें, ये मशीन हमारे पूरे तीनों सेटअप के साथ 85,000 में विदाउट GST और विदाउट ट्रांसपोर्ट का ये रेट होता है में आ जाती है। अगर हम ऑटोमेटिक में बात करें तो पूरा का पूरा तीनों का सेट 2,70,000 रुपये, 2,70,000 की वो पूरा का पूरा सेट होता है। अगर किसी को, मैं यही बोल के चलता हूँ, अगर किसी को स्टार्टअप करना है, स्टार्टअप के भी आपसे मैं हमेशा बोल के चलता हूँ कि आप छोटी मशीन से स्टार्ट कीजिए, लेकिन अगर आप ऑलरेडी इस बिजनेस में हैं और ऑलरेडी कर रहे हैं और आपकी रिक्वायरमेंट इतनी है कि वो सेमी फुलफिल नहीं कर सकती तो आप ऑटोमेटिक में भी जा सकते हैं, चॉइस आपकी है मैडम। जी मैडम, मैं बिल्कुल आपको एक रनिंग डेमो इसका भी दिखा देता हूँ कि ये कैसे मशीन रनिंग होती है, ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए कि ये कैसे हो रहा है। बिल्कुल मैडम, मैं बता देता हूँ। एक्चुअली देखिए क्या होता है, ये सारा का सारा डिपेंड करता है मैडम आपकी मार्केट के ऊपर। पहले क्या होता है कि मार्केट का आप सर्वे कीजिए। सर्वे करने का मेरा मतलब है कि आपकी जो, अगर आपको वेट नूडल बनाना है तो वो किस रेट में आपके मार्केट में जा रहा है, और अगर ड्राई नूडल बनाना है तो किस रेट में मार्केट में जा रहा है। जैसे मैं एग्जाम्पल करता हूँ दिल्ली को लेकर, दिल्ली में अगर वेट नूडल की बात करो, जैसे मैदा हो गया 25 रुपये पर केजी, और मैं हमेशा 3 रुपये बोलता हूँ कि आपका एक्स्ट्रा कॉस्टिंग आएगा, जिसमें आपका एक्सपेंस हो गया इलेक्ट्रिसिटी, लेबर, ट्रांसपोर्ट, GST टोटली मिला के, तो 28 रुपये में आपका वो आपका रेडी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टिंग जो आ गया 28 रुपये आ गया। अब बात यह आ जाती है कि दिल्ली में तो ऑलरेडी 29 रुपये, मतलब 29 और 30 रुपये में ऑलरेडी मार्केट में बिक रहा होता है। लेकिन वेट नूडल में हमेशा क्या होता है, अगर हम 1 kg नूडल बनाते हैं तो अप्रोक्सीमेटली उसमें 200 से 250 ग्राम नूडल एक्स्ट्रा निकालता है, क्योंकि उसमें वाटर मिक्स होता, पानी मिक्स होता, पानी का भी तो रेट होगा ना गीले नूडल का। तो इस वजह से अगर आपको वहाँ पे 1 से 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है
तो हम जो पानी का भी हमारा वेट जाएगा तो उस हिसाब से भी हमारा अप्रोक्सीमेटली करीबन करीबन 4 से 5 रुपए वहां से प्रॉफिट हो जाता। तो 1 kg पे वेट मॉडल में अप्रोक्सीमेटली हमारा 5 से 6 रुपए का प्रॉफिट हो जाता। अगर आप एक आइडिया मैं बता के चलता हूँ, अगर आप सिंपली समझ के चलिए, अगर आप दिन में अप्रोक्सीमेटली 200 किलो 300 किलो 500 किलो नूडल निकालते हैं तो उससे 5 से आप मल्टीप्लाई करके आप अपना उसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको क्लियर कर रहा हूँ मैडम कि जैसे आपने और भी वीडियोस देखी होंगी, लोग दिखाते हैं कि आप दिन का 5,000 कमाइए, दिन का 10,000 कमाइए, 20,000 कमाइए। देखिए ये सब फ्रेंड्स डिपेंड करता है आपकी मार्केट के ऊपर। मैं कभी भी ये नहीं बोल के चलता कि आप उसमें कितना कमा सकते हो। देखिए ये जितना आप अपना माल मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं उतना ही आप पैसा कमा सकते हैं। अगर एक मैं एग्जांपल दूं, जैसे इस मशीन से आपका प्रोडक्शन हो गया 80 केजी पर आवर, अगर आपने 10 घंटे में मशीन चलाई तो 800 केजी नूडल लेकर गया। 800 से अगर आप 5 से भी डिवाइड करोगे अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 हज़ार रुपये आपका प्रॉफिट मैंने बता दिया दिख रहा होगा। लेकिन एक आइडिया ये भी तो लगाइए कि आप दिन का इतना नूडल बना रहे हो क्या, इतना नूडल दिन का आप मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। स्टार्टअप में कोई भी जब स्टार्टअप होता है, कोई भी बिजनेस होता है कि इतना मार्केट में नहीं जा सकता आपका माल कि आपको इतना प्रॉफिट हो जाए। बट सारा प्रॉफिट मैं यही बोल के चलूंगा आपकी मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना आप सेल आउट कर सकते हैं उतना आप अपना इसमें बेच सकते हैं। दूसरा होता है हमारा ड्राई नूडल, ड्राई नूडल जो कि सूखा हुआ नूडल होता है। ड्राई नूडल में हमेशा प्रॉफिट थोड़ा सा ज्यादा होता है क्योंकि उसकी क्या वैलिडिटी भी थोड़ा ज्यादा होता है और उसमें एक्सपेंस भी थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। वो भी आप एक बार मार्केट में सर्वे कीजिए कि आपकी मार्केट में कितने ग्राम का पैकेट चलता है, 200 ग्राम 300 ग्राम 500 ग्राम और कितने रेट में चलता है, तो उस हिसाब से आप अपना ये ड्राई नूडल भी मार्केट में सेल कर सकते हैं। सर आपने मशीन का तो बहुत अच्छा नॉलेज दिया, तो क्या आप हमारे अपने व्यूअर्स को ये बताएं कि अगर आपसे कोई मशीन लेता है तो शुरू में देखो मशीन चलाना सर किसी को भी नहीं आता, बिल्कुल मैडम, तो वो किस तरीके से इसमें मशीन को चला सकता है, इंस्टॉल कर सकता है? बिल्कुल मैडम, होता क्या मैडम, देखिए हमारी पहले तो हम सर्विस की बात करते हैं। हमारी मशीन की जो वारंटी होती है, हमारी मशीन की वारंटी 1 ईयर की होती है। काफी कंपनीज है जो 2 साल 5 साल 10 साल दे के चलती हैं, लेकिन खाली क्या होता है डील करने के लिए कोई भी कुछ भी बोल देता है। बट हम जो देते हैं सिर्फ हमारी मशीन की 1 ईयर की वारंटी देते हैं। इन 1 ईयर की वारंटी के अंदर अगर आपका कोई पार्ट डैमेज हो जाता है, कोई खराब हो जाता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको चेंज करके देते हैं। और रही बात आपकी सर्विस वगैरह को लेके, उसमें क्या मैडम हमें भी पता है कि स्टार्टिंग में किसी को भी नॉलेज नहीं होती, तो इसके लिए हमारे क्या रहते हैं हर जगह लोकल में इंजीनियर होते हैं, सर्विस इंजीनियर होते हैं। पहला ऑप्शन तो हम क्लाइंट को हमेशा दे के चलते हैं कि वीडियो कॉलिंग का। वीडियो कॉलिंग का क्या है, एक हमारे जब मशीन इनकी इंस्टॉल करनी होती है हम उनका एक वीडियो फॉरवर्ड कर देते हैं, और अगर वीडियो में नहीं समझ में आता तो वीडियो कॉल भी कर सकते हैं कि वो मशीन कैसे इंस्टॉल हो गया। इन केस तब भी कोई नहीं समझ पाता है कि ये कैसे रनिंग हो रही है, कैसे इसको इंस्टॉल करो, तो उस कंडीशन में हम अपना टेक्निकल पर्सन उनके पास भेजते हैं जो कि लोकल में ही होते हैं, और जो उस लड़के का आना जाना खाना पीना जो भी चार्ज होता है वो टोटली आपको पे करके चलना होता है। ये क्लियर पॉइंट होता है हमारा। सर देखो अगर जैसे माने चलो अपना आउट ऑफ का कस्टमर है, मोस्टली जैसे तमिल के हैं या आंध्र प्रदेश के हैं, उनको अगर सर्विस देनी होती है तो अगर दिल्ली से जाएगा तो काफी टाइम लगेगा, तो उस चीज के लिए आप उसमें क्या सर्विस दे सकते? मैंने बताया ना मैडम हमारे क्या होता है लोकल सर्विस इंजीनियर होते हैं हर जगह पे हमारे लोकेटेड होते हैं कि जो कि चार्जेबल होते हैं। हम क्लियर करें ऐसा नहीं है कि हमारे ही वो पूरे के पूरे हमारे पास जॉब करते हैं वो चार्जेबल पर्सन होते हैं। हम डायरेक्टली आपके पास जितनी जल्दी हो सकता है उनको फॉरवर्ड कर देते हैं और आपकी जो भी समस्याएं होती है जो भी प्रॉब्लम होते हैं वो क्लियर कर देते हैं, मतलब उनको ज्यादा टाइम तक वेट नहीं करना। हाँ इसीलिए हम लोकल इंजीनियर हायर करते हैं ताकि आपको ज्यादा टाइम तक आपको वेट ना करना पड़े मैडम। अच्छा सर आप ये बताइए अगर आपसे कोई मशीन लेना चाहता है तो वो आपसे किस तरीके से कॉन्टेक्ट कर सकता है? मैडम देखिए क्या है कि अगर किसी को भी हमारी मशीन पसंद आती है, पहले तो बात ये है कि मैं हमेशा क्लाइंट को बोल के चलता हूँ कि डायरेक्ट आप जितना भी हो सके डायरेक्ट आप कंपनी में विजिट कीजिए, आइए देखिए हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखिए, समझिए। अगर आपको मशीन पसंद आती है तो आप ऑर्डर दे के जाइए और मशीन लेके जाइए। दूसरा होता क्या है मैडम कि अगर बाय चांस जैसे आजकल कोविड की सिचुएशन है इस वजह से लोग नहीं आ सकते, तो दूसरा ऑप्शन मैं दे के चलता हूँ मैडम कि अगर आपका कोई दिल्ली में रिलेटिव है तो आप उनको भेज दीजिए। एटलीस्ट मेरा कहने का ये मतलब इसलिए है क्योंकि एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस कंपनी से डील कर रहे हैं, जिससे भी आप मशीन लेना चाहते हैं, वो कंपनी दिल्ली में है भी या नहीं है,
अब मैं बैठा हुआ हूँ सामने, मैं हूं भी या नहीं हूं, तो इस चीज से क्या है, ये क्लियर हो जाता है, एक विश्वास हो जाता है कि हाँ यार ये कंपनी अच्छी है। दूसरा ये है कि अगर इनकेस अगर फिर भी नहीं आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, तीसरा ऑप्शन क्या है मैडम, ट्रस्ट ही बचता है। तो ट्रस्ट से क्या है कि आप अपना ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन भी जो पेमेंट आपको करना होता है वो डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट में करना होता है, जो कंपनी का अकाउंट होता है पहले आप उसको वेरीफाई भी करा सकते हैं, वेरीफाई करवाइए, उसके बाद आप डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट में पेमेंट लगाइए, ऑनलाइन में हम आपको मशीन प्रोवाइड कर देते हैं। अब जैसे अगर किसी को मान के चलिए, हमसे खाली दिल्ली की बात नहीं कर रहा, खाली अगर आप इंडिया की बात नहीं कर रहा, खाली इंडिया से बाहर भी अगर आपको मशीन चाहिए, जैसे नेपाल में हमारी मशीन रेगुलर जाती रहती है, उसके लिए हमारे पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस भी होता है, LUT सर्टिफिकेट भी होता है, सब कुछ हमारे पास होता है। तो खाली हमारा इन इंडिया ही नहीं, आउटर इंडिया भी, अगर आउट ऑफ इंडिया भी किसी को, जैसे भूटान में भी मशीन गई हुई है, अगर नेपाल में भी चाहिए, डायरेक्टली हमसे वो कॉन्टेक्ट कर सकता है और डायरेक्ट मशीन आपको मिल जाएगी। मतलब आप आउट ऑफ भी अपना मशीन, बिल्कुल मैडम, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं मैडम मशीन का, बिल्कुल। आई होप फ्रेंड्स आपको इस बिजनेस रिलेटेड हर एक नॉलेज मिल गई होगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि अगर आपको इसमें और बेटर समझना है या डीपली समझना है, तो स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है आप उस पर कॉन्टेक्ट भी करके डीपली नॉलेज आप इसमें ले